रतन टाटा का निधन हो गया। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे उनके घर पर मुंबई के कोलाबा में लाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है और लगभग 10 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकाला जाएगा। उसके बाद NCPA में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहाँ पर सामान्य लोग उनका दर्शन कर सकेंगे, जहाँ पर उनके अंत्य दर्शन की व्यवस्था की गई है। और सभी ही मुंबई की तरह भारत के अन्य भागों से आने वाले जो लोग होंगे उनका अंत्य दर्शन वहां कर पाएंगे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शासकीय सम्मान के साथ वर्ली में अंत्य संस्कार किया जाएगा, ले जाया जाएगा। यहां पर देख सकते हैं कि पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया है और जिस तरह से रतन टाटा का स्वभाव था, एक सामान्य व्यक्ति से उनका कनेक्टिव था, उनका जो निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह शोक मनाया जा रहा है। हर कोई उनके निधन को लेकर काफ़ी दुखी महसूस कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चरण के साथ मैं रमेश शर्मा, TV9 मुंबई।